एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकोड़ा। ये बहुत अच्छा एक स्नैक्स है, सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है। तो चलिए आज हम मिलकर बनाते हैं चिकन पकोड़ा। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम चिकन को अच्छे से धो के ऐसे छोटे छोटे पीसेस में इसको हमने कट कर लिया था। और फिर इसमें हमने ऐसे ऑनियन पाउडर डाला था 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून और मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून। आप चाहे तो इसमें पाउडर का इस्तेमाल ना करके रॉ मसालों को भी पेस्ट करके इसमें आप कर सकते हैं इस्तेमाल। तो मैंने इन सारे मसालों को मैरिनेट करके 1/2 टीस्पून विनेगर के साथ 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज पे छोड़ दिया था। अभी मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे हम। इसमें अब मैंने नमक डाल दिया और इसमें अभी हम डालेंगे अंडा। अंडा भी हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे। और आपके पकौड़ों को क्रिस्पी और फुला फुला सा बनाने के लिए हमें ये 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक है कॉर्नस्टार्च, और एक है बेकिंग पाउडर। इसमें मैंने तकरीबन 2 टीस्पून मैंने कॉर्नस्टार्च मैंने ले लिया है। इसमें इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। और अभी हम इसमें 1/2 टीस्पून से भी कम हम इसमें इतना सा 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम इसमें हम ब्लैक पाउडर इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम ब्लैक पेपर का हमने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर हमने इस्तेमाल किया है। और अभी मैरिनेट करने के बाद ना, अगर आपको लगे कि ये फिर भी बहुत पतला है, इसका एक बाइंडिंग नहीं आ रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा और आप कॉर्नस्टार्च इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून और कॉर्नस्टार्च का मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे मैंने अपना मैरिनेशन कंप्लीट कर लिया है। चलिए अभी दूसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम एक पैन में ऑयल को मीडियम हीट पे रखेंगे। ऑयल बिल्कुल मीडियम हीट ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो चिकन अंदर से कच्चा रहेगा और ऊपर का जो कोटिंग है वो बर्न हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि ऑयल एकदम मीडियम हीट ही हो। मैंने इसको एक बार उलट पुलट के इसको मैंने अच्छे से हिला लिया है। इसको धीरे धीरे पकने दीजिए, क्योंकि इसको ये पकौड़ा बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि धीरे धीरे अंदर से वो चिकन सॉफ्ट होने के लिए इसको मीडियम हीट पे पकाना होता है, तो थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो गैस का हीट बढ़ा देंगे तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि चिकन जब आप बाइट करोगे तो बहुत वो एकदम हार्ड होगा, तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। मैंने इसको एक साइड पे 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है। अभी मैं फिर से इसको पलट दूंगी। एक साइड से इसका कलर आ रहा है धीरे धीरे। अभी भी मेरा गैस मीडियम हीट पर ही है, मैंने इसको बढ़ाया नहीं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसमें कलर आने लगा है।
जब दोनों साइड से हल्का ब्राउन कलर हो जाए तब हम गैस का फ्लेम बढ़ा सकते हैं, और अभी इसको हम जस्ट ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। अभी अभी हमारा चिकन अंदर से पक चुका है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा हीट बढ़ा देंगे, गैस का फ्लेम हम बढ़ा देंगे, और फिर जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक हम इसको फिर से हम फ्राई करते रहेंगे। मैंने इसको हाई फ्लेम पे ब्राउन कलर आने तक पका लिया है। अभी इसमें कलर आ चुका है, हम इसको थोड़ी देर और हम इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ब्राउन कलर आ जाए तो इसको तुरंत निकाल लेना है, नहीं तो ये फिर ब्लैक हो जाएगा। तो देखिए मेरा ये अच्छे से इतना अच्छा कलर आया है। मैंने इसमें कलर फूड कलर नहीं डाला था। अगर आपको वो दुकान जैसा लाल लाल रंग चाहिए तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, मैंने बस मिर्ची पाउडर ही डाला था। तो ये एक बैच मेरा हो गया, अभी मैं सेकेंड बैच मैं डाल दूँगी इसमें। यहाँ पर मैंने गैस ऑफ कर दिया क्योंकि मेरा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है। देखिए मेरा सेकेंड बैच, पहला जब मैंने फ्राई किया था ना तब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने गैस से पैन को मैंने हटा लिया था। आपका भी अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप भी गैस से पैन को हटा लें या फिर गैस ऑफ कर दें। तो अभी मैं इसमें फिर से डाल रही हूँ। तो देखिए मेरा इसमें धीरे धीरे कलर आ रहा है। अभी भी मेरा गैस मीडियम हीट पर ही है, मैंने इसको बढ़ाया नहीं है। जब इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा उसके बाद मैं इसको फिर हाई हीट पे कर दूँगी। तो अभी जब इसका कलर आ चुका है तो मैंने क्या किया, अभी गैस का फ्लेम मैंने बढ़ा दिया। तो अभी थोड़ा सा ब्राउन कलर होने तक हम इसको पकाएंगे, फिर से फ्राई करते रहेंगे। जो पहले बैच में हमने किया था वही करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए फ्राई कर लिया है ब्राउन कलर होने तक। अभी मैं इसको निकाल लूँगी। तो हमारे पकौड़े अभी बनके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुका है अंदर से, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप खुद बनाइए घर पे, खुद खाइए, सबको खिलाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसा बना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो अभी फिर हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।